नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में फिर शुरू हुई निशुल्क पुलिस पाठशाला। डीआईजी बोले लक्ष्य साध कर चलने वाले का कोई मात नहीं दे सकता। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट एवं डकैती कांड में शामिल 12 अपराधी गिरफ्तार। इंटर के छात्र ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। घर में मचा कोहराम, जांच में जुटे पुलिस। सैलिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। लापरवाही देख अधिकारियों को लगाई फटकार। और नवगछिया में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटे रुपये। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वर्ष 2016 में की गई निशुल्क पुलिस पाठशाला एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो गई है। सैंडिस कंपाउंड स्थित ओपन थिएटर में बुधवार को पुलिस पाठशाला का उद्घाटन डीआईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद के कथन से अपनी बातों की शुरुआत की। कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। डीआईजी ने कहा कि लक्ष्य साध कर चलने वालों को कोई मात नहीं दे सकता। पुलिस के सकारात्मक प्रयास के लिए उन्होंने जिला पुलिस कप्तान सह पुलिस पाठशाला के संरक्षक बाबूराम को धन्यवाद दिया। इस दौरान डीआईजी विवेकानंद ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने करियर में आगे बढ़े, पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस पाठशाला से काफी संख्या में अनुभवी शिक्षक जुड़े हैं जो जरूरतमंद अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देकर उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अभ्यर्थियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही पुलिस पाठशाला से जुड़े सभी सदस्यों के कार्यों की सराहना की। डीएम ने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों से पाठशाला से जुड़कर अपने सपनों को साकार करने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सबसे पहले छात्र अपनी क्षमता को पहचाने और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करें। उन्होंने बताया कि सफल होने की योग्यता सबों में होती है, बस उसे तराशने की जरूरत है। डीएम ने छात्र छात्राओं को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा कि छात्र स्वाध्याय पर फोकस करें, नकारात्मक वातावरण से खुद को बचाएं और सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा के साथ तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। एसएसपी ने छात्र छात्राओं को उबाऊ अध्ययन से बचने और इंटरनेट सुविधा का सदुपयोग करने की सलाह दी। टीएनवी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने पुलिस पाठशाला के शुभारंभ से लेकर अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भागलपुर में पुलिस पाठशाला की शुरुआत के लिए पूर्व एसएसपी मनोज कुमार, एसएसपी आशीष भारती और तत्कालीन विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। जबकि मोटिवेशनल गुरु रविकांत घोष ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और गोपाल कृष्ण झा ने किया। सुबोध कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस पाठशाला में सचिवालय सहायक, दरोगा, बीपीएससी पीटी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा सुबह 6 से 8 बजे तक सप्ताह के सातों दिन चलेगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल तक पुलिस पाठशाला बंद रहा, जिसे फिर से शुरू किया गया है। अब तक 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पुलिस पाठशाला से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। धन्यवाद ज्ञापन टीएनवी कॉलेज इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी ने किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मृत्युंजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अजय कुमार यादव, सुनील कुमार, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर नवनीत कुमार, त्रिलोकनाथ झा के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी और शिक्षक उपस्थित थे। यहाँ भागलपुर जिला में जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आज फिर से विधिवत उद्घाटन किया गया है, शुभारम्भ किया गया है, जिसमें हमारे जो इंस्पेक्टर हैं सुबोध जी और हमारे सार्जेंट मेजर हैं शर्मा जी, इसके अलावा राजीव जी जो और इनके साथी जो कोचगण हैं, ये सभी लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। सभी पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा उन्होंने तैयार की और इसका प्रचार प्रसार किया और इसके कारण से 1000 के लगभग आवेदन छात्रों के प्राप्त हुए हैं और आज यहाँ भारी संख्या में छात्र लोग उपस्थित भी हुए हैं। इसमें प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ऐसे छात्र हैं जिनको
कोचिंग की सुविधाओं का अभाव है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। और पूर्व में भी इस कार्यक्रम के बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। भागलपुर में बढ़ रही आपराधिक घटना और अपराधियों के खिलाफ भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर में हुए 3 लूटकांड और 1 डकैती मामले में पुलिस द्वारा 12 अपराधियों को गिरफ्तार करने की जानकारी साझा की। सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बीते सोमवार को बबरगंज थाना क्षेत्र में स्विगी के डिलीवरी बॉय से बाइक और पैसे लूटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस टीम ने कामयाबी हासिल करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में कुख्यात मनीष चौधरी, राकेश चौधरी छोटू और बबलू शामिल है, जिसमें से मनीष और राकेश पहले भी जेल जा चुका है। इसके अलावा सिटी SP ने सबौर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना मामले का भी खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सिटी SP ने कहा कि बाइक सवार 4 अपराधियों ने आम से भरे पिकअप को लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर गहन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने पिकअप वैन के साथ घटना में शामिल अपराधी सौरभ, प्रीतम, ऋतुराज और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य मामले भी सबौर थाना क्षेत्र का है, जिसमें अपराधियों ने सबौर थाना के खांगकित्ता निवासी डॉक्टर विश्वपति चटर्जी के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि इस मामले में अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने शक से एक बदमाश मोहम्मद मरहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाका के माई फाइनेंस कंपनी से भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में हुई 36,000 रुपये के लूट मामले में भी पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे में 3 लूट और 1 डकैती कांड का उद्भेदन किया गया है। इसी की ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। पहली घटना 30 मई को करीब रात्रि 10:30 बबरगंज थाने अंतर्गत हुआ था। वहां पर स्विगी का डिलीवरी बॉय था, वो ऑर्डर पहुंचाने गया था और जिसने ऑर्डर किया था उसी ने स्विगी के डिलीवरी बॉय से कट्टा दिखाकर अपने दोस्तों के साथ उसका बाइक लूट लिया, उसके पैसे लूट लिए, उसके मोबाइल लूट लिया। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान के क्रम में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो लूटी गई बाइक थी वो भी बरामद की गई है और जो मोबाइल का यूज हुआ था वो भी बरामद किया गया है। ये चारों लड़के जो हैं, ये मनीष चौधरी हैं, राकेश चौधरी हैं, छोटू कुमार और बबलू कुमार हैं। इसमें से मनीष और छोटू बबरगंज थाने इलाके का रहने वाला है, राकेश चौधरी और बबलू कुमार लोदीपुर का रहने वाला है। इन में से 2 लड़कों का काफ़ी जघन्य आपराधिक इतिहास रहा है। किसका सर? मनीष चौधरी जो है वो 3 बार जेल जा चुका है। 2019 में ये मर्डर के केस में जेल गया है और इसके अलावा ये 2020 में आर्म्स एक्ट में जेल गया है और 2021 में रंगदारी के केस में जेल गया है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत झवा कोठी में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए बने सरकारी क्वार्टर नंबर 7 में 17 वर्षीय इंटर के छात्र पीयूष कुमार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस टीम को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता रमेश पासवान RCD डिपार्टमेंट में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत है और पीयूष 5 भाई बहन में दूसरे नंबर पर था। इधर मृतक पीयूष के बड़े भाई जिम ट्रेनर अजीत भी इस घटना से हतप्रभ दिखा और कहा कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यह घटना कैसे और क्यों हुई। अजीत ने कहा कि पीयूष बहुत शांत प्रवृत्ति का था। वहीं घटना को लेकर मृतक पीयूष की बहन आरती का कहना है कि कोचिंग सेंटर से पढ़कर आने के बाद पीयूष को जब खाना खाने के लिए कहा तो उसने अपने रूम को बंद कर लिया और कुछ देर बाद जोरदार आवाज हुई। आरती ने कहा कि पहले तो उसे लगा कि ट्रांसफार्मर की आवाज आई है, लेकिन जब पीयूष के कमरे से धुआं निकलता देखा तो दरवाजा तोड़ा गया, जहां पलंग पर खून से लथपथ पीयूष गिरा हुआ था। साथ ही कहा कि उसका भाई बिल्कुल सीधा था और उसे किसी से कोई विवाद नहीं था। इधर मौके पर दलबल के साथ पहुंचे बरारी थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कमरे से शव के साथ सुसाइड नोट, देसी कट्टा और 1 खोखा अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या हुआ? कोचिंग से आया, रूम में गया, मम्मी कही चलो खाना खाना, बोला चलो आके हम खाएंगे। इतने देर मम्मी इधर खाने लगी, दरवाज़ा बंद करके आवाज़ आया, बोला करेंट लग गया, दौड़े
तो धुआं धुआं देखे दराजा हम तार घीच घाट करने लगे। देखे मेरा भाई कुछ शक नहीं लगता है, कुछ ना बहुत सीधा था। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बुधवार को सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, जहां डीएम ने कार्य में बरती गई लापरवाही पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को 15 जून तक पूरा करने का निर्देश पूर्व में ही दिया जा चुका है, लेकिन 1 जून तक कार्य की धीमी रफ्तार और अधूरे कार्यों को देखकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए स्मार्ट सिटी कार्य से जुड़े अधिकारियों की जमकर क्लास और समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं डीएम ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड में स्विमिंग पूल बनाने के साथ जिम निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसे विभाग के सचिव के निर्देश के अनुसार 15 जून तक जनता के लिए चालू किया जाना है, लेकिन अभी तक स्विमिंग पूल नहीं बन सका है, जबकि जिम निर्माण में कमजोर सामग्री और उपकरण लगाए जाने की शिकायत मिलने की बात डीएम ने कही। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भागलपुर दौरे पर आए सचिव ने सैंडिस में चल रहे कार्यों का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ कार्य में जुटे अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा कर 15 जून तक आम लोगों के लिए हैंड ओवर करने का निर्देश दिया था। वहीं निरीक्षण के बाद डीएम ने कमजोर निर्माण सामग्री और उपकरण को हटाकर बेहतर सामान लगाने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने की बात एजेंसी की ओर से कही जा रही है, जो सचिव के आदेश की अवहेलना होगी, जबकि एजेंसी के द्वारा और 10 दिन का समय मांगा जा रहा है। साथ ही डीएम ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इसकी सूचना देने के लिए सचिव को भी लिखित पत्र भेजा जा रहा है। इसके अलावा डीएम ने कहा कि स्मार्ट सड़कों का भी काम भी तेजी से चल रहा है, जिसके तहत शहर में कई जगहों पर स्मार्ट सड़क बनाने के साथ पेवर ब्लॉक बिछाने का काम चल रहा है, और उसी में एक महत्वपूर्ण काम है जो सैंडिस कंपाउंड की जो भी योजनाएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। प्रधान सचिव महोदय का भी निरीक्षण हुआ था, उनका स्पष्ट निर्देश था संबंधित इंजीनियर को भी और एजेंसी को भी कि 30 अप्रैल तक सारा काम कंप्लीट करा करके हैंड ओवर कर देने के लिए, ताकि उसको आम पब्लिक के लिए सारी सुविधाएँ खोल दी जाएँ। एक दो चीज़ों को छोड़ करके, एक जो स्विमिंग पूल को लेकर के कुछ समस्या थी बास्केटबॉल का, और जो अतिरिक्त बन रहा है बैडमिंटन कोर्ट, इन दो तीन चीज़ को छोड़ करके अन्य सुविधाएं शुरू कर देनी थी, लेकिन अभी तक कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने बोला है नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त साहब खुद देख रहे हैं, अभी ज्वाइन करने के बाद लगातार वो विजिट भी कर रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन भी हुआ है। तो इसमें जो है जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी 10 दिन का समय इन्होंने अतिरिक्त लिया है, और जो जिम में सामग्री है वो भी जिस क्वालिटी की होनी चाहिए उसको लेकर के भी शिकायतें मिल रही थी, तो उसको भी चेंज करने के लिए बोल दिया गया है। अगर वो अगले 10 दिनों में वो कार्य भी नहीं होता है तो हम लोग फिर इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग होंगे। इसके अलावा अन्य जो फिनिशिंग टच देना है अन्य प्रोजेक्ट्स को सैंडिस से रिलेटेड, उसमें भी हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया है। अगर ये नहीं कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई के लिए अभी भी हम लोग पत्र देंगे, प्रधान सचिव महोदय को भी अवगत कराएंगे कि उनके दिशा निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है, कट ऑफ टाइमलाइन के 1 महीने बाद तक। नवगछिया में बेखौफ अपराधियों ने कतवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा विश्व राउत सेतु संपर्क पथ पर मंगलवार की देर शाम पूर्णिया के रूपौली कंगरा गांव निवासी खगेश शर्मा से 1.5 लाख रुपए की छिनतई कर ली, जिसको लेकर पीड़ित किसान खगेश ने कतवा ओपी थाने में लिखित शिकायत दी है। वहीं इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी शुरू कर दी गई है। इधर छिनतई की घटना को लेकर किसान ने बताया कि वह नवगछिया एक्सिस बैंक से रकम निकालकर अपने घर जा रहा था, तभी कतवा गांव के पास अपराधियों ने उसकी बाइक में धक्का मारकर गिराने का प्रयास किया, जिससे वह असंतुलित हो गया और इसका फायदा उठाकर अपराधियों ने पैसे से भरा थैला झपट लिया और मधेपुरा की ओर फरार हो गए। पैसा सिनासरे हुआ। कहां घर कहां हुआ आपका? अंकला। कहां है? रूपौली थाना। और कहां से पैसा लेकर जा रहे थे? एक्सिस बैंक नौगछिया से। कहाँ लेकर जा रहे थे? कंकले जा रहे थे। नौगछिया से कितना दूर है कंकला? 18 किलोमीटर। कहाँ आपके साथ घटना हुई? विजय घाट पुल के पास। क्या हुआ आपके साथ? पैसा छीन लिया। कितना पैसा छीना? 1.5 लाख रुपया। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर उच्च विद्यालय में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना के बाद जब बुधवार को तिलकपुर हाई स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार चौधरी अपने सहयोगी के साथ दिन के 11 बजे स्कूल पहुंचे तो पुस्तकालय भवन का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। इधर बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल अशोक चौधरी का स्कूल में अंतिम दिन था और वह स्कूल के शिक्षिका मीरा कुमारी को अपना पदभार सौंपने वाले थे और इसी कारण सभी शिक्षक स्कूल पहुंचे थे, लेकिन स्कूल में हुई इस चोरी की घटना से सभी शिक्षक और स्कूल प्रबंधन आश्चर्यचकित हैं। वहीं चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही प्रिंसिपल अशोक कुमार चौधरी ने सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर को दूरभाष पर इस वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद दलबल के साथ थानाध्यक्ष तिलकपुर हाई स्कूल पहुंचे और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। विद्यालय आए अपने सहयोगियों के साथ, तो क्योंकि मेरा आज आखिरी दिन है, सेवानिवृत्ति तिथि है, मैं आकर अपना सहयोगी को प्रभार देने वाला था। जो ही मैं आया तो पता चला कि देखा हो गया तो पुस्तकालय कक्ष का ताला कटा हुआ था और बाद में पुलिस को सूचना, थाना को सूचना दी गई, थाना से भी गाड़ी आ गई, वो जांच करके गए हुए हैं और बाद में उनके सामने में जब ये देखा गया तो ये सब सामान। सर, सामान कौन कौन सामान इसमें जो चोरी हुई है इसमें? हाँ, पर एक है पुस्तकालय में एकल मिला है, उसमें स्मार्ट क्लास का चाबी का रिंग रखा हुआ था, वो चाबी गायब है। दूसरा नंबर है बड़ा मॉनिटर, एक को गायब है, छोटा मॉनिटर एक को गायब है, कीबोर्ड एक गायब है, माउस एक गायब है, यूपीएस एक गायब है। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल निर्माण कार्य के नगर परिषद के रैयत किसानों को अगवानी पुल में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। इस दौरान रैयत संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने बताया कि अगवानी पुल में 85 रैयत किसानों का जमीन लिया गया है, जिसके लिए पदाधिकारियों ने बंद कमरे में वार्तालाप कर मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 6 माह बीत जाने के बावजूद एले कोर्ट में जज की नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही एले कोर्ट में रैयत किसानों को मुआवजा देने को लेकर कोई बात चल रही है, जिसके विरोध में मुआवजा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देकर रैयत किसान धरना दे रहे हैं। वहीं रैयत किसान नीरज कुमार ने बताया कि पदाधिकारियों के द्वारा एले कोर्ट के माध्यम से मुआवजा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 6 माह बीत जाने पर कोई पहल पदाधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। मौके पर काफी संख्या में नगर परिषद के रैयत किसान मौजूद थे। नगर परिषद के अंदर 82 पंचायत है, 82 किसानों के परिवार हैं जो कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला और हम लोगों का जो एले कोर्ट में सुनवाई होना था उसमें भी जज की नियुक्ति नहीं हुई और हम लोगों का सुनवाई अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना पर आज 1 तारीख से 1/6/22 से बैठे हुए, और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है, एले कोर्ट में जज की नियुक्ति नहीं होती है, हम लोगों का सुनवाई नहीं होता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर। पहले से पहले मेरा धरना चल रहा था, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, पूल निगम के पदाधिकारी, एजेंसी के साथ हमारी वार्ता हुई। लंबी वार्ता के बाद हमको 10 दिन का समय दिया गया कि आपके न्याय के लिए सुनवाई होगी। हम लोगों ने जिला प्रशासन के सारे एक एक बात को माना, लेकिन ये 6 महीना बीत जाने के बाद भी
हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। संभावित बाढ़ को देखते हुए पीरपैंती प्रखंड कार्यालय से ट्राइसम भवन में बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी ने की। बैठक में तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों से उनके विचार को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन चक्रवर्ती ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, रेफर अस्पताल प्रभारी सुकेश कुमार और कार्यक्रम पदाधिकारी दिवेश गुप्ता ने भी अपने विचार साझा किए। मौके पर पशुपालन पदाधिकारी हरिनंदन कुमार, सीआई अजय पोद्दार, मुख्य अरविंद शाह, पवन यादव समेत प्रखंड कर्मी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। पीरपैंती प्रखंड स्थित सुंदरपुर लालू मैदान से महारुद्र श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने सिर पर कलश लेकर क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसके लिए प्रसाद भंडारण और शरबत की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं लालू मैदान से निकाली गई कलश शोभा यात्रा पीरपैंती रेलवे स्टेशन से होते हुए मनोकामना मंदिर पहुंची, जहां से जल भरकर पुनः शोभा यात्रा यज्ञ स्थल पहुंची। इधर यज्ञ समिति के अध्यक्ष पीरपैंती प्रमुख रश्मि कुमारी ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जनता के समर्थन से पीरपैंती के लालू मैदान में पूजा और भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। मौके पर पूजा समिति के सदस्य, सुरक्षा कर्मी और ग्रामीणों के अलावा विष्णु खेतान, अरविंद शाह, रंजन यादव